चार नंबर पे चलते हैं। चार नंबर हमने क्या बोला, चार नंबर क्या है, व्हाट इज चार नंबर, चार नंबर हमने बोला जहां जैसा मौका मिले वहां वैसी बात। हमने क्या बोला चार नंबर, वॉचमैन, वॉचमैन, हमने बोला चार नंबर वॉचमैन, वॉचमैन के जैसा, लाइक अ वॉचमैन, हमने बोला दबंग, गेट, गेट, हाँ दबंग, दबंग, हाँ, गेट कीपर के जैसे, यस गेट कीपर। जरूरत के अनुसार बात, ये चार नंबर वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जरूरत पड़ने पे एक पैर पे खड़ा साधु, जरूरत पड़ने पे एक पैर पे खड़ा साधु। Which means, इसका क्या मतलब हुआ कि जरूरत पड़ने पे ये व्यक्ति किसी भी लेवल तक जाने में सामर्थ है। जरूरत पड़ने में हर प्रकार के छल कपट और हर प्रकार का तरीका, शाम दान धन भेद सब अपनाने में सामर्थ है। वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी शार्प माइंड। सामने वाला बोल रहा होता है ये उसकी बात पकड़ लेता है, मतलब समझ लेता है। सामने वाला अपनी बात कंप्लीट नहीं करता, ये उसकी बात उससे पहले समझ जाता है। चार नंबर वाले व्यक्ति को अपोज करना मुश्किल काम है, क्योंकि चार नंबर वाला व्यक्ति बहुत आर्गुमेंटेटिव बन जाता है, सुनता नहीं जल्दी से बात। चार नंबर वाला व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल होता है, चार नंबर वाला व्यक्ति थोड़ा इगोस्टिक भी होता है, चार नंबर वाला व्यक्ति अपनी बात को सामने वाले के बहुत जल्दी रखता है, मतलब इट्स लाइक इम्पेशेंट, वेरी इम्पेशेंट, बहुत फास्ट, क्विक 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 फास्ट। ये व्यक्ति थोड़े चालाक होते हैं, ये व्यक्ति कई बार शूर भी होते हैं, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इट्स देयर द ड्राइवर्स, दे कैन ड्राइव एनीथिंग, दे कैन ड्राइव एनीथिंग। और बहुत लंबी घोड़े क्या बोलते हैं, लंबी जर्नी के घोड़ा होता है, मतलब लंबी रेस का घोड़ा होता है ये हल्का नहीं होता। चार नंबर वाला व्यक्ति बहुत लंबी रेस का घोड़ा होता है। अगर इस व्यक्ति का माइंड गड़बड़ हो जाए, करप्ट हो जाए, तो यही व्यक्ति होते हैं जो हैकर्स बन जाते हैं, उनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्या बोले सर, वर्ड आप, हैकर्स, हैकर्स वर्ड क्या बोले, हैकर्स, ओके ओके, बड़े स्ट्रॉन्ग फिलोसोफर होते हैं ये व्यक्ति, बड़े स्ट्रॉन्ग फिलोसोफर होते हैं चार नंबर वाले। चार नंबर वाले व्यक्ति सोशल बहुत ज्यादा नहीं होते, दे प्रिटेंड टू बी सोशल बट दे आर नॉट सोशल। ये आप अपने आपको दिखाएंगे बट दे आर नॉट। एक चीज और बताता हूं यहां पर, मैं टिप्स भी चीजें देता हूं, जैसे जो मुझे याद आएंगे टिप्स बताता जाऊंगा। जब आपने दो नंबर निकाले थे ना, मूलांक और भाग्यांक, कंडक्टर ड्राइवर, जो कंडक्टर नंबर होता है और जो ड्राइवर नंबर होता है उसमें विशेष डिफरेंस ही होता है। कंडक्टर इज द टोटल ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ, राइट, कंडक्टर या हमारा जो मूलांक और भाग्यांक, पे मूलांक बोलेंगे, ठीक, ये नंबर जो ना, हाउ आर वी, ये दर्शाता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, यानी कि हम अपने अंदर से कैसे हैं, हमारे अपना एटीट्यूड, सेल्फ एटीट्यूड कैसा है। और भाग्यांक जो होता है वो ये दर्शाएगा
कि सामने वाला हमें किस नजरिए से देख रहा है, डिफरेंस होगा इसका। तो जिसके भाग्यांक में चार बने और जिसके मूलांक में चार बने, दोनों एक दूसरे ऐसे लेट करना, जिसका मूलांक चार होगा वो उसको अपने अंदर से ना निकालेगा, दैट इज इनसाइड ऑफ हिम और हर, बट जिसका भाग्यांक चार होगा सामने वाला, यानी कि मैं आपको जब देख रहा हूं तो मैं आपको चार नंबर के माफिक देख रहा हूं, यानी कि सामने वाला हमारे को चार नंबर की तरह प्रेजेंट कर रहा है। तो मूलांक भाग्यांक का एक बड़ा डिफरेंस है ये। आदमी आमतौर पर कंफ्यूज होता है कि व्हाट इज मूलांक को कैसे देखे, भाग्यांक को कैसे देखे, और दोनों को इकट्ठा करा के एक ही जगह डाल दो, दोनों का एक ही मतलब है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मूलांक सामने वाले की तरीका, सॉरी मूलांक हम कैसे अंदर से हैं वो मूलांक है, भाग्यांक हम बाहर से सामने वाले को कैसे दिख रहे हैं वो भाग्यांक। तब भी तो वो हमसे कनेक्ट करेगा, और जैसा वो कनेक्टिविटी करेगा वैसा हमारे भाग्य में उसका हमारा इंपैक्ट आएगा, मतलब उसका इन रिलेशन टू दैट पर्सन वो हमारे भाग्य में इंपैक्ट कर रहा है। अंदर से हम दो नंबर रखते हैं, मान लो थोड़ा थोड़ा सा मैचिंग करूंगा, जहां सर में ना बताते हैं ना, सपोज हम अंदर से दो नंबर है, वी आर टू नंबर, क्या है ममता भरा, बहुत बढ़िया हमने अभी व्याख्या करी, बट हमारा जो भाग्यांक जो मूलांक है वो चार नंबर आया। मूलांक चार नंबर आने के बाद सामने वाला हमारे को चार नंबर की नजर से देखेगा, तो उसके नजरों में जब हम बात करेंगे चार नंबर से देखेगा, वो दो नंबर को नहीं पकड़ेगा, वो जब दो नंबर वाला मीठी बात भी करेगा कहेगा इसमें भी इसका कुछ मतलब है, इतनी मोटी मोटी बोल रहा है इसमें भी इसका कुछ मतलब है। ये डिफरेंस समझ आने की कोशिश कर रहा है। एक नंबर वाला वो स्ट्रेट बोल रहा होगा, उसको चार नंबर साथ में आ गया अगर, तो सामने वाला कहेगा ये व्यक्ति जो ना सही नहीं है, मतलब स्ट्रेट बोल क्या तो स्ट्रेट रहा है लेकिन इसके स्ट्रेट इसकी स्ट्रेट लगती नहीं, ये व्यक्ति जो ना भरोसा नहीं करेगा इंसान के, स्टेट के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं, ओवर एक्ट कर जाएगा और सामने वाला भरोसा नहीं कर पाएगा। ये डिफरेंस बताने की कोशिश करें। तो जब भी नंबर देखो तो दो नंबर को मैचिंग में मूलांक भाग्यांक में मूलांक वी, भाग्यांक अवर आउटर, मूलांक इज इंटरनल, भाग्यांक इज आउट एक्सटर्नल, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू चार नंबर कंटिन्यू करते हैं। चार नंबर वाले व्यक्ति की सर इसका रेमेडी भी है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, रेमेडी है, अभी तो कहानी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो कम से कम थोड़े बहुत ओवर तो हो जाए, तो आधी चौथाई इनिंग तो हो जाने दो कम से कम। सर तो फिर आप जैसे बोले कि अगर एक नंबर का हुआ तो वो स्ट्रेट कट बोलेगा, लेकिन चार नंबर दूसरा उसको सोचेगा कि नहीं इसका दिमाग में तो कुछ है स्ट्रेट नहीं है, तो सर उसको तो गलत सोचेगा। एक नंबर और चार नंबर उसके पास दोनों है, मान लो एक नंबर आया मूलांक में, चार नंबर आया भाग्यांक। हाँ हाँ तो हाँ। एक नंबर जब मूलांक अंदर से बोल रहा है तो स्ट्रेट बोल रहा है, सामने वाला उसको चार नंबर की नजर से देखेगा, सामने वाला कहेगा ये स्टेट तो बोल रहा है क्या तो स्टेट ही रहा, लेकिन यार स्टेट नहीं है स्टेट, मतलब उसको अंदर से ना कन्विंसिंग नहीं आएगी, सामने वाले का जल्दी से कन्विंसिंग नहीं आएगी उसकी बात।